कि जहां मैं डिसीजन को प्रभावित करा सकता हूं, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी, जिस तरह से आप, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, वास्तव में दिल की गहराई से बधाई देना चाहता हूं कि जैसे जैसे कारवा आगे बढ़ता जा रहा है, आपका जोश और संख्या दोनों बढ़ती जा रही है। ये समाचार, यहाँ जो आप बैठे हैं, ये जो यहाँ बैठे हैं, आप ये मत समझिए कि केवल आप बैठे हैं, इसकी पल पल की खबर जाती है, इसकी एक एक सूचना जाती है, कौन मंच से बोल के गया, कितने लोग आए, आए ही नहीं, कितने डिसिप्लिन तरीके से यहाँ कनॉट प्लेस घूमने नहीं आया कोई, अपना रोष व्यक्त करने के लिए अपने स्थान पर बैठे हैं और सरकार को ये संदेश दे रहे हैं कि ये एक बोल रहा है और हजार चुप बैठे हैं, उनकी चुप्पी इस एक बोल के साथ है। आप निश्चित मानिए, हमारा काम क्या है, मैं चैनल में था, मैं चैनल में जो डिबेट में था, उस समय BSNL और MTNL का बहुत जोर शोर से चल रहा था और ये लग रहा था आज बंद हुआ कल बंद हुआ, तो उसमें वो चैनल वाला कहने लगा, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस उस दिन निकला कि आज जो है ये शटडाउन का ऑर्डर हो जाएगा। मैंने कहा भाई, आप जो है फाइनेंशियल एक्सप्रेस से अपना चैनल चलाते हैं, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि गवर्नमेंट का एक सेगमेंट, स्ट्रॉन्ग सेगमेंट, इसको जो है प्राइवेटाइज नहीं होने देना चाहता, इसको शटडाउन नहीं होने देना चाहता। जब अगली बार मैं उसके पूछ गया, तो उसने मेरे से सवाल किया, मेरे से सवाल किया एंकर ने कि क्या आप रोक पाएंगे, क्या आप रोक पाएंगे। मैंने उससे कहा कि मेरे गर्दन पर तलवार चली आ रही है, मेरी गर्दन की तरफ तलवार चली आ रही है, तो मैं क्या करूं, क्या मैं गर्दन सीधी कर दूं और तलवार को काट दे दूं। मेरी जितनी सामर्थ है, जितनी कुदरत ने मुझे ताकत दी है, मैं पूरी ताकत के साथ उस तलवार को रोकने की कोशिश करूंगा और भारतीय मजदूर संघ प्रोविंशियल के खिलाफ आने वाली किसी भी ताकत को पूरी ताकत से रोकेगी। ये मैं आपको वचन देता हूं। रोक पाना नहीं रोक पाना एक अलग चीज है, मगर जो हमारे हाथ का काम है, आपके हाथ का काम है, आपके हाथ में काम है कि आप अपने वर्ग को छोड़िए और यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन में भाग लीजिए। हमारा काम है कि आपकी ताकत को ऊपर तक पहुँचाएं। तो जो हमारा काम करने का है वो काम हम ईमानदारी से करेंगे। भारतीय मजदूर संघ दिखावे में, छलावे में या कई केवल जो नाम के लिए काम नहीं करता, हम भारतीय मजदूर संघ की तरफ से आपको विश्वास दिलाने आए हैं कि पूरी तरह से भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा श्रम संघ होने के बावजूद नाते उसका फर्ज भी है कि आपके साथ खड़ा रहे और आपके साथ खड़े हैं। अभी मैं पिछली बार बताया था, पता जी मैं बोल चुका था, उसके बाद जो दोबारा मैंने बोल रहा जी से माइक लेकर के बोला था, 19 दिसंबर को मावलंकर हॉल में, बाकी ट्रेड यूनियंस की मैं कोई बात नहीं कर सकता, जो हमारे हाथ में है वो हम वही कर सकते हैं। जितने भी BMS के पब्लिक सेक्टर से संबंधित, गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित उद्योग हैं, उन सब का करीब 15 फेडरेशन भारतीय मजदूर संघ के 44 फेडरेशन से है, उन 44 फेडरेशन में से जो पब्लिक सेक्टर, कोल, नॉन कोल, स्टील, बैंक, LIC, डिफेंस, पोर्ट एंड डॉक, शिपयार्ड, टेलीकॉम, ये जितने भी डिपार्टमेंट से, उनका सबका हम एक नेशनल कन्वेंशन कर रहे हैं। मैं आपको पिछली बार भी आमंत्रित करके गया था, आज फिर आमंत्रित करता हूँ कि 1 से 5 बजे के बीच वो कन्वेंशन होगा। उस कन्वेंशन में हम मजदूरों का मांग पत्र, और केवल उसमें हमारी 25 डिमांड नहीं है, हमारी केवल डिमांड है कि दिस कन्वेंशन इज अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एंड आगे ऑफ द पब्लिक सेक्टर। सेकेंड डिमांड है अपोजिशन ऑफ मर्जर ऑफ द बैंक। थर्ड डिमांड है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज लाइक रेलवे एंड डिफेंस। ये 3 डिमांड हमारी रहेंगी, केवल प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, मर्जर ऑफ बैंक एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ डिफेंस एंड रेलवे। तो इन 3 मांगों को लेकर के हमारा कन्वेंशन होगा और आगे की आंदोलन की क्या रणनीति होगी वो उस दिन डिक्लेयर की जाएगी और सरकार को क्लियर मैसेज दिया जाएगा कि यदि आपने ये अंधी दौड़ खत्म नहीं की,
तो ऋण हमारा भयानक होगा और चौराहे पर आपसे ऋण होगा। इसीलिए मैं क्या कहता हूं कि भारतीय मजदूर संघ गैर राजनीतिक श्रम संघ है। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम रॉयल पॉलिटिक कॉरपोरेशन की थ्योरी पर काम करते हैं। सरकार का जैसा रवैया रहेगा हमारा रेस्पॉन्स वैसा ही रहेगा। सरकार ने अगर सोचा है कि हमारा सहयोग करेगा, एयरपोर्ट्स को दोबारा से एयरपोर्ट अथॉरिटी को चलाने देगा, तो हम उसके जाकर के चौराहे पे आकर के जैसे आज विरोध कर रहे हैं, यहीं आकर के आपको बुला करके समर्थन देंगे और धन्यवाद करेंगे। यदि उसने प्राइवेटाइजेशन की ठान ली है और हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर यही खड़े होकर के इसी चौराहे से लेकर के आज हम यहाँ खड़े हैं। कल को कोई इस गवर्नमेंट की फोर्स हमको जो पार्लियामेंट कूच करने से रोक नहीं पाएगी। आज तो हम शालीनता के साथ चल के खड़े। तो मैं आप लोग आए हैं, आप लोगों ने बहुत अनुशासन के साथ अभी तक का आंदोलन किया है। हम अनुशासित हैं, अनुशासित तरीके से काम कर रहे हैं, मगर जब हमारी गर्दन पर आएगी तो गर्दन बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। मैं एक परिचय और करा देता हूँ आपका। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।